हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कश्मीरा माथुर व्लॉग। और आज मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए एक और नई जगह दिल्ली में। दिल्ली में लग रहा है द्वारका मेला 2024। तो अब आपको मेलों के लिए दशहरे का वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि द्वारका में ही लग रहा है द्वारका मेला, जिसकी डेट लास्ट डेट है 31 मार्च 2024। और आप लोग जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि ये मेला खत्म हो इससे पहले लोग यहाँ पर आ सके। आप लोग थोड़ा मेरी आवाज़ से समझ गए होंगे कि मेरी आवाज़ इस वक्त बहुत ज्यादा खराब है, तो मेरी आवाज़ से ज्यादा आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगी देविका की आवाज़, क्योंकि मेरी आवाज़ मेरा गला बिल्कुल गया हुआ है। तो अभी आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे है सारा द्वारका मेला, और यहाँ बाहर ही इतना अच्छा, इतना हैपनिंग माहौल है, इतनी सारी बाहर स्टॉल्स लग रही हैं, बाहर खाने पीने की स्टॉल्स, ये बच्चों के खिलौने वगैरह, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोग अपनी फैमिली को लेके आओ, सब लोग बहुत इंजॉय करेंगे। अंदर चलते हैं। यहाँ का जो टिकट प्राइस है वो 100 रुपीज है एंट्री का। अंदर राइड्स, खाना पीना कैसा रहेगा पूरी वीडियो एंड तक देखना, मैं आपको धीरे धीरे बताती रहूंगी। तो यहाँ पे एंट्री करते ही राइट साइड में आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा, और टिकट काउंटर पे आप लोग भीड़ देख सकते हो कितनी है। यहाँ पे ₹100 की आपको टिकट मिल रही है, और इस टिकट से बेसिकली आप लोग जो एंट्री करोगे ना मेले में, वो आप सीधा वो जो एक्वेरियम है यहाँ पे, एक्वेरियम वाली फिश टनल बनी हुई है, उसी से आप लोग सीधा मेले में एंट्री करोगे। तो अब हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं इस फिश टनल में एंट्री। तो यहाँ पे एंट्री करते ही हमारे लेफ्ट साइड पे पड़ रहे हैं काफ़ी सारे छोटे छोटे बने हुए एक्वेरियम्स, और थोड़ा सा पास जाके देखते हैं, यहाँ पर बहुत छोटी 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 क्यूट सी फिशेज हैं, बहुत ही कलरफुल फिशेज हैं, और बहुत सारी हैं। और ये एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है हमारे लिए भी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे, आगे तक मैं देख पा रही हूँ काफ़ी सारे एक्वेरियम्स हैं। तो ये तो है हमारा सबसे पहला एक्वेरियम जो हमें लेफ्ट साइड पे पड़ा। सेकेंड एक्वेरियम पे अब हम लोग आ गए हैं, और यहाँ पे ज़ेब्रा कलर की फिशेज हैं। और आप लोगों ने अगर एक चीज़ नोटिस करी हो ना, तो जैसे जैसे एक्वेरियम से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे फ़िश का ना साइज़ भी बढ़ता जा रहा है। जैसे फर्स्ट में तो आपको बहुत छोटी मिलेगी, ये थर्ड एक्वेरियम है, और यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी फ़िशेज़ हैं, और काफ़ी यूनिक वेराइटी ऑफ फ़िशेज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ऐसी फ़िशेज़ तो हमने कभी भी किसी भी ना वीडियो में देखी है, ना कभी किसी मूवी में इस तरह की फ़िश दिखाई है। इनका कलर देखो, ये कुछ अलग ही टाइप की फ़िशेज़ है। आगे एक एक्वेरियम मुझे दिख रहा है, वहाँ पे है थोड़ी नॉर्मल टाइप की फ़िशेस, बट ये फोर्थ एक्वेरियम है। और इन फिशेस को आप देखो, ऐसी नोकीली सी फिश है, वाइट और ब्लैक कलर की है इस एक्वेरियम में मोस्टली, बट बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक यूनिक एक्सपीरियंस है। इस एक्वेरियम में ना सारी फ़िशेज़ एक कोने में इकट्ठी हो गई हैं, पता नहीं, हो सकता है कि दो मछलियों की शादी वादी हो रही हो इसलिए इकट्ठी हुई हो। सारा एक्वेरियम छोड़ के एक कोने में आके बैठी हुई हैं इसमें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्वेरियम में, और इसमें आप देखो ये है नॉर्मल फिशेस, ये लग रही हैं देखी देखी जानी पहचानी अपनी, बाकी तो सारी ऐसी थी कि कुछ है ही नहीं, देखी ही नहीं, पता ही नहीं क्या है, पर ये है एकदम नॉर्मल, कोई ज़्यादा कलरफुल भी नहीं है। यहाँ की भीड़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस अंडर वाटर फिश टनल एक्वेरियम का कितना क्रेज़ है लोगों में। अब इसके आगे चलते हुए एक्चुअली वो जगह आ गई है जिसके लिए यहाँ पे इतने लोग आ रहे हैं। यहाँ पे है, ये मेन है अंडर वाटर फिश टनल एक्वेरियम। इससे पहले तो हमें छोटे छोटे एक्वेरियम्स दिखे, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल समुद्र के एकदम नीचे बिल्कुल बेस पे खड़े हैं, और आपके चारों तरफ फिशेज ही फिशेज हैं। ये ऊपर बिल्कुल कवर्ड है पूरा एक्वेरियम। ऐसा एक्सपीरियंस आपको या तो दुबई में मिलेगा या फिर यहाँ द्वारका मेले में मिलेगा। चारों तरफ सर पे छोटी 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 फिशेज नाच रही हैं, लंबी बड़ी फिशेज भी हैं, छोटी छोटी फिशेज भी हैं, काफ़ी कलरफुल फिशेज हैं, और ये बहुत ही एक अलग ही डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस रहने वाला है। तो मैं तो आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि अगर आपने भी कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप लोग यहाँ पर ज़रूर आएँ। इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है ना, कभी भी मैंने ऐसा नहीं देखा। इतनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी फिशेज, और इतनी सारी बिल्कुल आपके चारों तरफ फिशेज ही फिशेज हैं, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। हाय गाइस, अब हम आ गए मेले में, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, वंस इन अ लाइफ टाइम वाला तो डेफिनेटली था। आपको ऐसा लग रहा था कि आपके चारों तरफ फिशेज हैं, और बहुत ही नया यूनिक और सरियल एक्सपीरियंस था। तो हम लोग अंडर वाटर फिश टनल एक्वेरियम से बाहर आ गए,
काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, यूनिक था। इसको एक्सपीरियंस करने के लिए हजारों रुपए बुक के दुबई जाने से अच्छा है द्वारका मेले में आगे एक्सपीरियंस कर लो, क्योंकि जो हमने 100 रुपीज की टिकट ली थी ये उसी में इंक्लूडेड था, इसके कोई अलग से चार्जेस नहीं है। और बट क्योंकि वीकेंड है ना तो काफी ज्यादा सफोकेशन हुई थी अंदर, बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पे, बट ठीक है थोड़ी बहुत भीड़ होती है तभी मजा आता है, खाली अकेले घूमते रहो मेले में उसका भी कोई मजा नहीं है। तो अच्छा एक्सपीरियंस था। अब आप देख सकते हो यहाँ से बिल्कुल एग्जिट करते ही है हमारा पूरा मेला, बिल्कुल मेले वाली वाइब्स है, जैसे कि दशहरे के मेले में होती है ना वो ऐसा गोल गोल घूमने वाला झूला, और सारी मार्केट स्टॉल्स बहुत ही अच्छी लग रही है। धीरे धीरे करके इन सबको एक्सप्लोर करते हैं, शॉपिंग वॉपिंग, बच्चों के जो ये छोटी छोटी राइड्स हैं, कार्स वगैरह, काफी ऑप्शंस है। खाने पीने का आप लोग सामने देख सकते हो, यहाँ पे बच्चों के टॉयज भी मिल रहे हैं सेल 20 ऑनवर्ड, और झुमकिया तो लड़कियों का पहला या दूसरे नंबर का प्यार भी है। सबसे अच्छी चीज है कि यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारी राइड्स हैं, बच्चे बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं। ट्रैम्पोलिन भी है यहाँ पे, काफी सारी डिफरेंट वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज है, ये ऐसे रोल रोल करता है सारे में, इसके अंदर बच्चे गए हैं जाएगा, बट भैया बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे कुर्तियां वगैरह सूट वूट मिल रहे हैं, प्राइस 600-650 इतना है, काफी कलर वैरायटी काफी है। ये मेरी बहन पहुंच गई झुमकियां देखने के लिए, झुमकियां अंगूठियां, इसको जहां दिखता है ना ये वहीं रुक जाती है। आई देखो क्या देख रही है छोटी, क्या देख रही है, इयररिंग्स देख रही है। यहाँ पे कुछ ऐसी भी आइटम्स मिल रही हैं, प्राइसेस वगैरह काफी रीजनेबल हैं। तो ये जो है ये 750 के 3 पीसेस है, ये एक ग्लास 150 का 1 पीस। यहाँ पे अगेन आपको बच्चों के काफी सारे टॉयज मिल रहे हैं, टेडी बियर वगैरह। तो यहाँ पे है टर्किश आइसक्रीम का एक स्टॉल, और इनकी एक आइसक्रीम का प्राइस है ₹150। यहाँ मैं आपको बता दूँ बॉलीवुड म्यूजिक बज रहा था, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया गाना बज रहा था, कहीं हम लोग सोचो कि हम पागल हैं ऐसे नाच रहे हैं। एक्चुअली बॉलीवुड म्यूजिक हम इंक्लूड नहीं कर सकते कॉपीराइट की वजह से, तो इसलिए मैं म्यूजिक लगा देती हूँ। आपने अगर मेरी टर्किश आइसक्रीम वाली वीडियो देख ली हो तो वो आइसक्रीम खत्म नहीं हो रही है, इसलिए मुझे इसे खाते खाते वीडियो बनानी पड़ रही है। यहाँ पे ऐसे एफिल टावर भी बनाया हुआ है, यहाँ पे आप लोग आराम से मस्त पिक्चर वगैरह खिंचवा सकते हो, इसी के लिए लोग मोस्टली निकलते हैं घर से बाहर फोटो खींचने के लिए, तो काफी अच्छा फोटोजेनिक पॉइंट है ये। उससे आप थोड़ा सा आगे आओ तो यहाँ पे आप देखो बच्चों के मास्क वगैरह मिल रहे हैं, बंदर के डेविल्स के मास्क मिल रहे हैं। और आगे एक ये भी है, यहाँ पे ये छोटे बच्चों के लिए है, ऐसी बोट टाइप बना रखी है, इसमें बैठ के घूमते रहो पानी में,
इसका प्राइस क्या भैया? इसका प्राइस है ₹50। यहाँ पे देखो एक खाने का स्टॉल बिहान पान सेंटर कानपुर। तो चलो आपको यहाँ पे कानपुर के पान भी मिल रहे हैं। सामने है स्टेज वसंत देव होली महोत्सव। यहाँ मेरा भाई ये शूटिंग वाला गेम खेल रहा है। इसमें 100 के 10-12 मार सकते हो बैलून्स पे। शॉट लग गया, एक हो गया इसका। ओ दो पे दो 100 रुपए के और 10 बैलून तक आप फोड़ सकते हो। 3 पे 3 वेरी गुड। कम से कम पैसे तो वसूल हो, लगे तो सही। ओ 4 पे 4 मैं तो सोच रही हूँ सब पुलिस में भेज दो, आर्मी ज्वाइन कर ले। ओ 5 पे 5 गुल 6 पे आउट हो गया लड़का। चलो अभी और है 4 शॉट्स हमारे पास। एक और गुल, ये लगता है भैया ने कुछ गड़बड़ी करी है, वरना हमारे लड़के में कोई कमी नहीं है। ओ हेट, ये हेट, वेरी गुड लड़के। यहाँ पर एक है सुपर ट्रेन, इसका 100 रुपीज पर पर्सन का प्राइस है। तो ये आपको ऐसे एक छोटा सा गोल चक्कर कटाती है। तो इसके बाद यहाँ पे आपको ऐसे ट्रैम्पोलिन्स भी बहुत सारे मिलेंगे। ये बच्चों की छोटी छोटी कार राइड्स, ट्रेन राइड्स, इन सबका प्राइस ₹100 है, 50 है, 80 है, इससे ज़्यादा कुछ भी ओवर एक्सपेंसिव नहीं दिख रहा है इस मेले में। और जो नॉर्मल मेले होते हैं ना, उनसे आपको 4 चीज़ें ज़्यादा ही मिलेंगी। और बहुत ही हैपनिंग मेला है, अगर आप वीकेंड पे आते हो ना तो आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो। यहाँ आपको लेफ्ट में बम्पर कार भी दिखी होगी, इसका प्राइस भी ₹100 है पर पर्सन, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इन दोनों राइड्स पे जो छोटे बच्चों की है, इनकी ₹50 पर पर्सन की टिकट है। यहाँ 12D एंटरटेनमेंट शो है, जिसका टिकट प्राइस है ₹150 पर पर्सन। और यहाँ आपको सोलर सिस्टम, स्पेस वॉर, जंगल सफारी, हॉरर, ये सब मिलेगा। एक और राइड, इसका भी प्राइस अगेन ₹100 पर पर्सन है। बट सारी राइड काफी इजी है, सिंपल है, छोटे बड़े सभी लोगों के लिए। तो यहाँ जयप्रकाश फास्ट फूड के काफी सारे स्ट्रीट फूड ऑप्शंस मिल रहे हैं। और मुझे दिख गई यहाँ पे चाउमीन, तो वो तो मैं बिल्कुल मिस कर ही नहीं सकती। मैं पूरा मेरा छोड़ के सीधी यही आई हूँ इनकी चाउमीन ट्राई करने के लिए। तो यहाँ पे आ गई है हमारी चाउमीन, इसको टेस्ट करते हैं जयप्रकाश फास्ट फूड सेंटर। काफी स्ट्रीट स्टाइल देसी चाउमीन है, और चाउमीन तो देसी ही अच्छी लगती है, काफी अच्छी है। आप लोग मेले में आओ और यहाँ का स्ट्रीट फूड जरूर ट्राई करना। बहुत सारे ऑप्शंस है, वड़ा पाव, चाउमीन, डोसा, मंचूरियन, काफी सारे ऑप्शंस है। काफी अच्छा मेला है, मतलब बहुत सारे आप देखो यहाँ पे एक्टिविटीज है, राइड्स है। तो जल्दी जल्दी प्लान कर लो 31 मार्च से पहले, और इस वीडियो को शेयर कर दो इससे पहले कि ये मेला खत्म हो। यहाँ पे एक बहुत थ्रो द रिंग्स वाला गेम भी है, ये 100 के 10 थे, हमने बार्गेन करके 12 करवा लिए। तो हम तीनों 4-4 करके करेंगे। सबसे पहले भाई की बारी है, देखते हैं ये क्या लेके जाता है। ओहो मिस हो गया। ओह वन मोर मिस। इन्होंने ना कुछ सेटिंग कर रखी होती है अपने रिंग्स में। अरे यार ये भी गया। ओहो ये भी गया। 4 चांसेस मिलेंगे, लेट्स सी मैं क्या लेती हूँ। कुछ भी आ गया, कुछ ऐसा वो नहीं है ज्यादा, मैं चूजी तो हूँ नहीं। गया, मैंने अपने कुछ पैसे वेस्ट कर दिए। ये तो ये मैंने जीत लिया है। अब और भाई
चलो मेरे एक साबुन तो दीजिए, साबुन है कितने का भाइयों? 22 रुपीस का है ये। चलो कुछ तो मिला। बारी है देवी का की छोटी यार, कुछ तो ले ले, खाली हाथ नहीं जाना। चलो एक साबुन तो आ गया कम से कम। हो गया हमारी सारी स्ट्रेटजी वेस्ट जा रही है। गया यहाँ पर है ये व्हील, जो कि आपको ऑलमोस्ट हर मेले में देखने को मिलेगा। आप लोग आओ तो इस पे भी बैठना जरूर, एंजॉय करना। मैं तो बहुत बड़ी डरपोक हूँ इसलिए मैं तो नहीं बैठूंगी इस पे। तो यहाँ पे एक और गेम है, ये जो ग्लासेस है ये गिराने हैं आपको इस बॉल से। आपको सिर्फ 100 रुपए की एक चांस मिलेगी, उसी में आपको इस बॉल से ये ग्लासेस गिराने हैं। तो मेरे भाई की बारी है, अगर इसमें गिरा दिया तो जो पीछे ना चीजें में से कुछ भी एक चीज ले सकते हैं। ओए होए, क्या जोर से मारा है इसने, फिर भी 2 ग्लासेस रह गए। चुपके हुए हैं क्या? यहाँ पे छोले भटूरे की स्टॉल है, 100 रुपीज पर प्लेट। यहाँ पे एक और सेक्शन है जहाँ पे आपको वो वर्चुअल रियलिटी वाला होता है ना वीआर, ये पहना के वो सब दिखाएंगे, ये सब हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स वगैरह दिखाएंगे। इसके बराबर ही एक शॉपिंग का ऑप्शन है यहाँ पे, ऐसे ट्रेडिशनल एथनिक बैग्स वगैरह और कर्टेन्स ब्लैंकेट्स ये सब भी मिल रहे हैं। तो यहाँ पर मिल रही है तंदूरी चाय, ये मैंने वीडियोस में तो बहुत देखी है बट ऐसी लाइव बनते हुए पहली बार ही देख रही हूँ। इनका भी सेटअप एकदम वैसा ही है। ये इन्होंने तंदूर से निकाल लिया है एक ग्लास। ओ भाई इसमें से तो आग निकल रही है, अब ये इसमें डालेंगे चाय। और यहाँ पर रेडी हो रही है हमारी तंदूरी चाय। वाह यार कितनी सही लग रही है। ओहो ये तो मैं पहली बार ऐसे बंदे में देख रही हूँ, सिर्फ वीडियोस में ही देखी है आज तक। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा। क्या धुआं निकल रहा है, वाह। ये है यहाँ पर एक पेंडुलम राइड, ये पूरी ऐसे ऐसे गोल घूम जाती है, इसका प्राइस है 80 रुपीज। ये भी काफी सही लग रही है बट ये काफी ऊपर तक जाएगी इसलिए मैं तो नहीं बैठ रही इस पे। यहाँ पर आप देखो एक है कोको हब, ये बेसिकली यहाँ पे कैंडीज मार्शमेलो चॉकलेट फाउंटेन में डिप करके दे रहे हैं। ये भैया किसी बच्चे का मार्शमेलो लगा रहे हैं। यहाँ पर मिल रहे हैं राम लड्डू जो कि बहुत बढ़िया क्रिस्पी भैया कर रहे हैं। यहाँ पे और भी कितने सारे पकौड़े रखे हुए हैं यार, मिर्ची के पकौड़े भी है इनके पास। भैया इनका प्राइस क्या है? 50 रुपए की एक प्लेट है। और ये भैया बिल्कुल सामने गर्मा गर्म फ्रेश निकाल रहे हैं। नेक्स्ट आइटम यहाँ मिल रही थी बॉम्बे भेल, और इसका प्राइस भी अगेन 50 रुपीज ही है। ओ यहाँ पर मिल रहा है बिहार का फेमस लिट्टी चोखा। वाह यहाँ पे तो बिल्कुल सामने ही ये बिल्कुल फ्रेश तंदूर पे गर्म हो रहे हैं, यही लाइव तंदूर लगा रखा है इन्होंने। और बिहार वगैरह बॉम्बे इन सब की आइटम्स यहाँ मेले में आई हुई है, तो आप लोग भी फटाफट से अपना प्लान बना लो इस मेले में आने का, इससे पहले की ये खत्म हो, 31 मार्च 2024 से पहले आना है। ओ भाई कितनी खतरनाक राइड है ये, बिल्कुल बंदी बस भाई इसको नीचे कर ले। ये तो इसमें इतना 6-10 तो बीच में से कोई निकल रहे, ये तो बहुत ही ज्यादा बिल्कुल पेंडुलम राइड है ये। ओ मम्मी कितना ऊपर जा रहा है, अरे अरे ये तो घूम गया। अच्छा ये बिल्कुल थोड़े झटके देता है हल्का हल्का और फिर एकदम से घुमा देता है, 360 डिग्री घूम रहा है। नेक्स्ट स्टॉल है यहाँ पे A1 चाइनीज कॉर्नर, इनकी यहाँ पे सारी चाइनीज आइटम्स मिल रही थी जैसे कि मोमोज मंचूरियन स्प्रिंग रोल चिली पनीर वगैरह। मोमोज का प्राइस था 80 रुपीज एंड चिली पनीर मंचूरियन का था 120 से 150। भाई यार अब ऐसे झूले कहाँ से आ रहे हैं, हमारे टाइम पे तो ऐसे थे नहीं, हमें तो वो छोटी सी कुर्सी पे बैठा के घुमाते रहते थे। और अब देखो यहाँ पे कार झूले रहा, कार में बैठ के बच्चे घूम रहे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत ही मजेदार मेला है ये, आप लोग जरूर आओ यहाँ पे छोटे बच्चों के साथ। तो यहाँ पर है और एक एसेसरीज का स्टॉल, यहाँ आप देखो 100 रुपीज में है सारी चीजें, ऊपर लिखा हुआ है
ये कुछ ज्वेलरी वगैरह रुपीज 50 में भी आपको मिल रही है। ये सारे जो पेंडेंट्स वगैरह है ये सब रुपीज 50 में है। और ये बेबी का देखो ज्वेलरी एक्सेसरीज की शॉप दिखते ही फिर रुक गई। अब यहाँ पे जाएगा कम से कम हमारा आधा घंटा हम लोग इसी शॉप पे खड़े रहने वाले हैं। बट आप देखो कि यहाँ पे इयर रिंग्स, झुमकियाँ, इन सबकी बहुत वेराइटी है। तो अगर आप लोग आ रहे हो तो लड़कियों को तो जहाँ शॉपिंग ना हो वहाँ मजा ही नहीं आता। यहाँ पर सामने आप देखो बैग्स वगैरह की भी एक शॉप है। मैं एक बार आपको इसका प्राइस पता करके बताती हूँ। भैया ये बैग्स कितने के हैं? चॉकलेट है, 350 के बैग्स है, काफी नॉमिनल रेट है। आप लोग वेराइटी देखो इधर आके, यहाँ पे काफी अच्छी वेराइटी है। और ये सारे बैग्स 350 के हैं। ये जो है ना ये वाला पिंक वाला तो मेरे पास है भी। ये दिखाइयो, ये छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से बैग्स हैं, काफी प्यारे हैं। ये सारे 150 के हैं। ये मिल रही हैं बैंगल्स का भी काफी अच्छा कलेक्शन है, चूड़ियां कड़े सब मिल रहे हैं। कड़े देखो आप कितने प्यारे हैं। और यहाँ पे सामने उधर बैंगल्स का भी कलेक्शन है, काफी वेराइटी है, बहुत ही प्यारे बहुत ही कलरफुल बैंगल्स मिल रही है। तो यहाँ पे स्टॉल से मैंने ली है ये बैंगल्स, सिल्वर कलर की है और ये कलर हर ड्रेस के साथ जाता है लड़कियों में। तो अभी हमारे घर में शादियां भी आ रही हैं तो ये मेरे बहुत काम आने वाली है। 100 रुपीज इसका प्राइस है। तो मेरे रिश्तेदारों को मैं किसी भी फंक्शन में ये पहने दिखूं तो समझ जाना ये मैंने द्वारका मेले से ली है और ये सिर्फ 100 रुपए की है। आ गए बॉम्बे अड्डा यहाँ का वड़ा पाव ट्राई करने के लिए। आप देखो मेरे सामने उन्होंने वड़ा पाव रखा है और इतना बढ़िया टेम्पटिंग लग रहा है। बॉम्बे अड्डा से ले लिया है बड़ा पाव, अभी इसको टेस्ट करके बताते हैं कि ये कैसा है। इनके बड़ा पाव में बहुत ज्यादा मिर्च थी, सही में बहुत ज्यादा स्पाइसी था और टेस्ट वाइज ओके था। आप लोग ट्राई कर सकते हो एक लेके, बाकी बहुत ज्यादा रिकमेंडेड आइटम है। एक और राइड इनकी ट्रेन राइड, बहुत ही इंटरेस्टिंग राइड्स हैं, छोटे बड़े सभी बैठ सकते हैं। प्राइस अगेन 100 रुपीज है। तो हमें यहाँ इस मेले में बहुत मजा आया, बहुत सारी राइड्स हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज है करने के लिए। अगर आप लोग राइड में नहीं बैठना चाहते तो आप एक्टिविटीज कर सकते हो। और खाने पीने के इतने ऑप्शन है, बिहार का लिट्टी चोखा, बॉम्बे का वड़ा पाव, दाबेली, डोसा, चाउमीन, चाइनीज सब कुछ मिलेगा, आइसक्रीम, चुस्की सब है। तो काफी अच्छा मेला है, मैंने तो आज तक ऐसा मेला कभी नहीं देखा। दशहरे तक का वेट करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से आ जाओ। 31 मार्च 2024 इज द लास्ट डेट और इसका टाइमिंग है 5 PM to 11 PM। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है द्वारका सेक्टर 11 का और पार्किंग की भी यहाँ पे काफी सारी फैसिलिटी है। इस ब्लॉग पर जल्दी से शेयर कर दो ताकि इसकी लास्ट डेट निकलने से पहले आप, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली इस मेले में आ सके। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूले, शेयर कर दो जल्दी से। और अगर अभी कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।